हेलो गाइज, वेलकम बैक टू पाल वर्ल्ड। पाल वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन। भाई क्या हाल चाल, तुम लोग बताओ यार फटाफट से क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। और जल्दी से मेरे को ट्विटर फॉलो कर लो, लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ यार कैसा लग रहा है, आगे कौन सा गेम देखना चाहते हो। और फटाफट से लाइक कर दो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। तो चलो आज क्या है खास, मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ा सा अपना जो है ना गेम का लेवल थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। मेरे पास थोड़ा लो लेवल में एक ही बॉस बचा हुआ है और एक बॉस जो है बाकी है, उसको बाद में फिगर आउट करेंगे उसका क्या करना है। उसका पता नाम क्या है, मोसंडा लक्स, एक है लेवल 31 का। उसके बाद सारे जो है ना 30+ में 40 के आसपास है। फिर उसके बाद अपन लोगों के पास एक जो है बॉस है ये 40 वाला। तो ये फटाफट से अपन लोग 30-40 वाले बॉस में घुसते हैं, आगे देखेंगे क्या क्या किल करने को मिलेगा। चलो भाई स्टार्ट करते। तो चलो भाई फाइनली आ गया हूँ मोसंडा लक्स के पास। पता नहीं कौन सा है, मेरे को लग रहा है ये 33 लेवल है ना। तो मेरा ये चिड़िया ही काफ़ी होना चाहिए भाई, ये बड़ा लग रहा है ना मोसंडा। चल तू फाइट कर बेटा, मेरे ख्याल से ये काफ़ी है, मेरा चिड़िया ही काफ़ी। हाँ वही काफ़ी है ब्रो। ठोक रहे ला ब्रो, कहाँ गए मोसंडा? मोसंडा को उड़ा दिया मेरे गार्ड ने ब्रो। ओ भाई साहब ये तो रॉकेट मार रहे रे। चल भाई हो गया, तेरा काम हो गया ब्रो, अब मैं कर लूंगा। अबे ब्लू फेंक दिया फिर मैंने, ये ले तेरे लिए काफ़ी है गीगा वाला, ये काफ़ी है। चलो भाई ये हो गया भाई मोसंडा लक्स। ये क्या है भाई, कौन सा मोसंडा है भाई? ये तो कुछ अलग टाइप का लग रहा है भाई, ये तो लग रहा कॉमेडी कर रहा है भाई। जो भी है भाई चलेगा। तो चलो अभी 33, अभी जो है 40 लेवल बॉस पे बढ़ते हैं। 40 लेवल का बॉस कहाँ पे है? 40 लेवल का बॉस है स्नो में। तो अपन लोग अपना जो है बढ़ाते हैं भाई दायरा। स्नो में जो टावर किया था याद है, लिलियन लिलियन उसके पास एक था। तो चल भाई वहाँ पे प्रस्थानम करम। तो चलो भाई आ गए स्नो में। चलो भाई कहाँ है बॉस? बॉस बॉस स्नो वाले बॉस लेवल 40, लेट्स गो माय फ्रेंड। कहाँ है तू? बड़ा सा पंखों फैलाया हुआ था ना उस दिन, किधर है किधर है बे बोल। अरे सुना ये बॉस भाई अच्छा है पता है तुम लोगों को? कहाँ मेरे पीछे है, इस साइड है, किधर है भाई? अबे ये तो टावर है, टावर किस साइड का? मेरे को ऐसा मेरे को लग रहा है। अबे यार ये जो है ना इसका जो है ना इतना मुश्किल है ना ब्रो, पीछे का साइड दिखा रहा है ये, कभी कभी अजीब अजीब दिखाता है यार ये लोकेशन। हाँ ये रहा भाई मिल गया। ये बहुत बड़ा भाई पंछी दिख रहा भाई, कौन सा लेवल है? लेवल 40 है ना भाई? आप लोग कुछ गलती मिस्टेक तो नहीं कर रहे? 47 वाले से परसों मार खाया था कल, परसों, हाँ परसों मार खाया था भाई अपन लोगों ने। भाई देख के तो भाई कुछ अमेजिंग सा लग रहा है मेरे को। दूसरा कुछ पंछी उंछी निकालना पड़ेगा, पंछी बोले तो अपना कुछ अलग ही पाल। मेरे को किसी ने बोला यार टेम टेम क्यों बोलते हो? यार देखो कैप्चर और टेम जो है दोनों एक ही चीज़ है। कोई लोग टेम बोलते हैं कोई लोग कैप्चर बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का मतलब है वश में करना। खैर नहीं भाई अपन लोग क्या निकाल दें, ये निकालूं ये वाला चलेगा। चल देखते भाई आगे है क्या भाई, ये देखते कितना खतरनाक है। ओ भाई साहब ये तो कुछ अलग टाइप का लग रहा है। अबे अरे ये शांत क्यों है भाई? ओ भाई साहब ये तगड़ा है रे मेरा बंदा ब्रो, लेवल 40 के बॉस का देख क्या कर रहा है। मार मत देना यार, क्या नाम है इसका? सिबली। ओए ओए ओए
मेरे ख्याल से हो गया यार, इसका काम तेरा हो गया ब्रो। ओए 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 भाई साहब, लेवल 40 बॉस सिबली भाई, लोग बोलते थे ये बहुत ही बदमाश है रे। ओ भाई ये कौन सा है भाई, व्हाट काइंड ऑफ प्राणी इज दिस भाई। मोसांडा वसांडा भूल गए, मोसांडा आई डोंट केयर अबाउट मोसांडा। अबे ये क्या है, करता क्या भाई ये डूड, सीज ऑसम। इसकी खासियत देखे, ये मेडिकल बनाने में लेवल 2 है और कूलिंग में लेवल 2 है और फार्मिंग में लेवल 1। मल्टीटास्कर है, कूलिंग में लेवल 2, क्या बात कर रहा है। मेरे पास ऑलरेडी कूलिंग का एक बढ़िया सा साधन है। तो चलो भाई फटाफट अपन लोग निकलते हैं, देखते हैं बेस में भाई इसको, अपने वाला जो कूलिंग वाला है मेरा, वो बंदा क्या करता है ज़रा देखें भाई। तो चलो चलते हैं बेस पे, पहले तो इस अपने प्राणी, नए प्राणी को जो है ये क्या नाम है उसका, बंदी का जो भी नाम है, सिबली, सिबली नाम है ना, हाँ सिबली, सिबली को देखते हैं, कंपेयर करते हैं सिबली को अपने कूलर वाले बंदे से। ये कूलर वाला बंदा क्या है, वेयर आर यू माई फ्रेंड। ये रहा ये रहा, ये कुछ आइस, वो आग वाला जो था ना लेवल 3 का, ये आइस रेप्टाइल है और इसका बंदा जो है आइस रेप्टाइल। ये एक मिनट, कूलर कूलर कौन सा है, पहले इसको रिप्लेस कर ले यार, अपनी ये बंदी अब काम करेगी ठीक है। और आइस रेप्टाइल के जो पार्टनर है आग वाले रेप्टाइल, उनके पास इसको डाल देते हैं। तो भाई ये आइस रेप्टाइल जो है लेवल 3 का कूलर था और माइनर था भाई, माइनर अपने पास बहुत है, माइनर चाहिए नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, अपन लोगों ने उससे अपन लोगों ने वो कर लिया, रिप्लेस कर लिया नए वाले से। तो अपना नेक्स्ट टारगेट जो है मैं सोच रहा हूँ लेवल 44 का, ये एक है मेनस्टिंग। तो लेवल 44 का मेनस्टिंग एक है कोई, आई डोंट नो हुए जी, तो ही सी जो भी है। तो चलो भाई यहाँ पे अपन लोग प्रस्थान करते, पहले इसको निपटाते हैं अपन लोग फटाफट, यार गेम फिनिश करने वाले हैं यार, अपने को जा सकते क्या, अभी जाना पड़ेगा। तो चल भाई वहाँ पर जाके गेम निपटाते, अपने पास भाई बहुत अच्छे अच्छे बॉसेस हो गए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे टेलीपोर्ट करते। तो भाई अपन लोगों ने भाई दो बॉसेस निपटा दिया, लेवल 40 थी ना ये, यस ही वॉज लेवल 40। चलो भाई अपन लोग बहुत जल्दी इस पूरे गेम को है ना भाई फिनिश करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू बीट दिस गेम भाई एज फास्ट एज पॉसिबल भाई। जितना लोगों ने सोचा नहीं होगा वैसे फास्ट गया यार, बहुत दिन हो गए यार खेलते हुए मेरे को यार, फार्म बहुत करना पड़ता है यार, इसीलिए बोल रहा हूँ यार। तो ना फटाफट आगे कुछ गेम वेम सजेस्ट करो, अगर वो मेरे बस का होगा अगर गेम, तो मैं ज़रूर खेलूँगा, ट्राई करूँगा और देखते हैं भाई। ये डेजर्ट एरिया है ना मेरे ख्याल से, हाँ डेजर्ट एरिया, मेरे को डेजर्ट वाला कपड़ा चेंज कर भाई, लेट्स गो। लेवल 50 के बारे में भी सोच नहीं सकता, लेवल 40 एंड 45 उसके बाद करेंगे, या उसको करे यार वो रेगिस्तान वाला जो अपने घर के पास था जिसने ठोका मेरे को, उसको भाई, वो भी बहुत ताकतवर है, वो मेरा अच्छा सैनिक बन सकता है यार। वो सामने जो है ना पेड़ वृक्ष, उसके पास जाना पड़ेगा। ये कौन सा बॉस है यार, ये डेजर्ट एरिया में आ गया ना मैं, ये कौन सा बॉस है, बॉस तो यहीं पे दिखा रहा है रे मेरे को, बॉस लोकेशन इज हियर, बॉस इज वेयर, कहाँ है बॉस, हेलो, कोई केव है क्या यार यहाँ पे, फिर वो अंदर जाना पड़ेगा क्या। अब एक नया टास्क भाई, केव ढूंढो भाई। अरे उसको जो अपन लोगों ने वो किया ना भाई, आइस में टेम किया ना, वहाँ पे डंजन था यार लेवल 40 का डंजन, उसको भी करने का था। वेयर इज बॉस, इसके बाद बॉस करने के बाद वो डंजन करता है। हर एक बॉस के पास ना एक डंजन होता है, समझे ना, हर बॉस के पास। ये है क्या, डूड यही लग रहा मेरे को,
अपन लोग आ गए। अपना बंदा कौन सा बंदा है रे? हाँ ये रख लेता हूँ अपने पास। लेट्स गो। कौन सा बॉस है इसका? डंजन देखेंगे, आसपास कोई डंजन होगा वो करेंगे, और लेवल 40 आइस वाला डंजन में इसके बाद जाके करूँगा। देखेंगे उसके अंदर क्या लूट मिल रहा है। कोई अच्छा हथियार मिल जाता ना मेरे को। लेट्स गो माय फ्रेंड। चलो 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 चलो। ओ भाई साहब, मेरा बिच्छू है रे ये तो। लेवल 44। लेट्स गो। ठोको। ओ भाई मार उसको। वेरी नाइस वेरी नाइस। ये मेरे पे एग्रो क्यों हो रहा है भाई? मेरा बंदा कहाँ गया? ए हेलो। मजबूत है यार ये तो, बहुत ज्यादा मजबूत है ब्रो। मेरे ख्याल से काफी है इतना। ले भाई कम ऑन। हो गया भाई साहब, हो गया हो गया भाई, कसम से ब्रो। कौन था ये यार? ये लेवल 50 वालों से भाई आराम से फाइट कर सकता है मेनस्ट्रिंग भाई साहब। क्या भाई, मेरी हालत वैसे भी खराब है। यहाँ पे एक चेस्ट था भाई, चेस्ट देखो भाई, ये रहा चेस्ट। हालत खराब कर दी भाई इसने। क्या मिला? कपड़ा मिला रे मेरे को। ये क्या है रे? ओ भाई साहब ये क्या है? रिंग मिला रे, इतने सारे आइस रेसिस्टेंट, रिंग ऑफ आइस, आइस रेसिस्टेंस, आइस रेसिस्टेंस। ये देखो इसका मारने के बाद ये सब मिले भाई मेरे को। ये क्या है? ओ भाई कसम से डूड, मजा आ गया रे। यहाँ आसपास कोई डंजन होना चाहिए था। ये क्या आ रहा है? मेरा क्या हो गया? वेपन इज डैमेज। कौन सा वेपन भाई? मेरा क्या शॉटगन?
वो भाई साहब मेरा शॉटगन ही चला गया रे, शॉटगन टूट गया भाई, मेरा डैमेज हो गया ब्रो। तो चलो भाई बेस पे आ गया हूँ, सबसे पहले तो अपना भाई शॉटगन जो है वो रिपेयर करो भाई। कहाँ गया शॉटगन भाई, हालत ख़राब कर दी शॉटगन मेरे। तो चल भाई शॉटगन हो गया रिपेयर। आर्म, ओ भाई आर्मर कहाँ गया मेरा, आर्मर नहीं, चलो ठीक है आर्मर ठीक ठाक है, इसको ही रिपेयर कर लो, सबको रिपेयर कर लो भाई, नहीं है रिपेयर नहीं हो सकता। चल भाई बहुत अच्छे, आर्मर हो गया रिपेयर अपना, वो भी हो गया भाई। अब जरा इसको देखते हैं, तो ये रहा अपना बंदा भाई साहब, क्या लग रहा है वो। अबे तू क्या कर रहा है इधर, फार्म करने लगा भाई, फार्म क्यों कर रहा है, मेरे को तो ऐसे ही शोकेस देखना था भाई। मुसंडा भाई क्या हाल चाल, हाउ आर यू माई फ्रेंड। ओ भाई सही लग रहा है, सही लग रहा ब्रो। तो भाई फाइनली आई गॉट भाई कुछ अच्छा अमेजिंग। जरा इधर आ यार, खुले में दिख रहे भाई, बहुत अच्छा फार्म किया इसने। तो जरा देखते हैं फाइनली, जरा देखते हैं भाई बड़े वाले लोकेशन में कि कैसा लग रहा है ये भाई। यहाँ पे मेरे को बेस बनाना चाहिए था, मैं ऊपर चला गया था। तो ये देखो भाई लग रहा है ना वो मोसांडा भाई, इधर इधर घूम इधर। ये ब्रो फोटो क्लिक क्लिक भाई, सही बंदा यार ये बंदा, मतलब कि भाई ये 50 लेवल वालों से मजबूत फाइट करेगा। मैं अपने पास ही इसको रखता हूँ ठीक है। मसंडा भाई करता क्या है यार, इसका जरा देखे भाई पार्टी में ये क्या क्या कर सकता है। ये लेवल 2 का लम्बरिंग कर सकता है, लकड़ी फार्म कर सकता है, मेटल लेवल 3, बट ये है भाई सॉलिड भाई। भाई इसका डिफेंस देखा भाई, कितना भयानक डिफेंस था, लेवल 44। इसको टाइम लगेगा बढ़ने में। तो भाई साहब एक काम करो यार, तुम लोग मेरे को जल्दी से एक सजेशन दो इसके बाद कौन सा गेम खेलने का है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी होना चाहिए, बाद में है भाई देखेंगे और कुछ ढूंढेंगे। मैं कल सोच रहा हूँ वो जो है ना एनुबस जो है 47 लेवल वाले को टेम करूँ, इसको जो मेरे को ठोका था, इसको कल अपन लोग टेम करेंगे। और फिलहाल के लिए भाई सजेशन दो तुम लोग, क्या करने का है नहीं करने का। ट्विटर पर मेरे को काइंडली फॉलो कर लो यार, ट्विटर यार अच्छी चीज़ है, ट्विटर बोले तो एक्स। और भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दो, और भाई साहब लाइक करो कमेंट करो, और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चलो भाई बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।